शिरो द कोबरा बॉय वर्सेस इलाइट हयातो के बीच आज ये जंग काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन जैसी पावर्स है। तो आज ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं और तैयार हैं एक दूसरे को फोड़ने के लिए। तो हेरा शार्मी कैसे हैं आप लोग, आई होप ऑल इज वेल एंड मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रश आवर गेमिंग हिंदी में। तो यार अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो वैसे ही आप रश आर्मी का हिस्सा बन जाओगे। और यार सच में इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार दोनों कैरेक्टर्स फ्री फायर गेम के अंदर ऐसे बीइंग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं गेम के अंदर भी और ट्रेलर्स में भी। इनका सच में कोई भी जवाब नहीं, इनकी पावर्स एक सुपर ह्यूमन की तरह है। तो यार चलिए अब हम पहले बात करेंगे इनकी स्पीड के बारे में। तो यार एक तरफ आप देख सकते हो हयातो को, जिसकी स्पीड हमें तब देखने को मिलती है जब एक मशीन से उस पर कुछ फायर या किसी चीज का फोर्स डाला जाता है, जिसके बाद हयातो अपने फुल पावर के साथ उस फोर्स को चीरते हुए उस मशीन पर अटैक करता है, जो कि यार वाकई काफी ज्यादा फास्ट था। वहीं दूसरी ओर शिरो यानी कि कोबरा बॉय की स्पीड का पता हमें तब चलता है जब शिरो कोबरा बॉय में बदल जाता है और तब उस पर दो बाइक्स वाले अटैक करते हैं, लेकिन शिरो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उन पर ही काउंटर अटैक कर देता है और एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। तो यार स्पीड के मामले में तो दोनों के दोनों इक्वल हैं। वैसे ये मैं आप पर छोड़ूंगा कि किसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट है, मेरे ख्याल से तो दोनों इक्वल हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन बढ़िया फाइटर है। तो यार वैसे तो हयातो और शिरो के पास पहले से ही एक शॉट है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है एंड स्ट्रांग है। तो यार कौन कितनी बढ़िया तरीके से शॉट को कंट्रोल करता है, तो दोस्तों शिरो जिसकी तलवार की पावर का पता हमें तब चलता है जब वो अपनी तलवार से एक ही वार में दोनों बाइक्स को हाफ हाफ स्लाइस में काट डालता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, वो उस तलवार से एक बड़े वेपन के अटैक्स को रोकता है, जिससे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और फाइट की बात करें तो शिरो बिना तलवार के भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ सकता है, वो मार्शल आर्ट में माहिर है। वहीं दूसरी ओर हयातो जिसकी हम बात करें फाइटिंग स्किल्स की, तो क्या ही कहने, वो एक बेहतरीन फाइटर है। और हम ये भूल रहे हैं कि वो एक पैदाइशी समुराई है, उसने अपनी तलवार से एक पूरे जायंट रोबोट को कुछ ही सेकेंडों में काफ़ी सारे टुकड़ों में बांट दिया था। वो बुलेट्स को अपनी तलवार से डॉज कर सकता है, जो कि सबूत है उसके बेहतरीन फाइटर होने की। और यार वैसे भी हयातो और शिरो जो कि पहले से ही तलवारबाजी करते थे जैसे कि मैंने अभी कहा, लेकिन हयातो पहले भी काफ़ी खतरनाक फाइटर है जब उसके पास मैकेनिकल आर्म नहीं था। और यार मैं तो भूल ही गया कि मैंने हयातो का सेकेंड पार्ट भी निकालना है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे उसके पास वो मैकेनिकल आर्म आया। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा
और हाँ, हयातो ने अपनी तलवार से उस फायर को रोके रखा, जो कि यार काफी ज्यादा भयानक था। अब बात कर लेते हैं दोनों की एबिलिटीज की। तो यार शीरो की एबिलिटी है डैमेज डिलीवर्ड, जिससे होता क्या है कि अगर उस पर किसी ने छुपकर अटैक कर दिया तो फिर वो चाहे जहां भी छुपा हो उसके ऊपर एक पिंक कलर का मार्क आ जाता है, जिससे वो डिटेक्ट हो जाता है। और ये एबिलिटी काफ़ी काम की एबिलिटी है। वहीं दूसरी ओर हयातो, जिसकी एबिलिटी का नाम है बुशिडो। अब ये है क्या? तो यार हयातो उस एबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और अग्रेसिव हो जाता है। इससे वो अपने ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने लगता है। हम एक कह सकते हैं कि हयातो जितना लड़ेगा वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक बनता जाएगा। और हाँ, उसके पास है मैकेनिकल आर्म। अब ये वो चीज़ है जो कि उसकी पावर्स को अनबिलीवेबल बनाती है। और हाँ, ये आर्म वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बुलेट्स और तलवार के वार को झेल सकता है। तो कुल मिला के कहें तो यहाँ पर विनर होगा हयातो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि यार इससे मुझे मिलेगा काफी ज्यादा मोटिवेशन और आपको मिलेगी फ्यूचर में आने वाली ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया तो यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो गुड बाय, टेक केयर।